दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ साथ दिल्ली अपने कई रंगों की वजह से भी बहुत फेमस है। चाहे वो दिल्ली छह के पुराने रंग हो या फिर साउथ दिल्ली के नए जमाने के रंग, दिल्ली के हर हिस्से में कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर है। और दिल्ली जितना फेमस अपने स्वादिष्ट खाने के लिए है, उतना ही फेमस है ट्रैवलर्स के लिए, घूमने वालों के लिए, और उनके लिए भी जो इतिहास की तारीखों को आज में जीना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं आज इतिहास के उस पन्ने में जहां आज आप देख सकेंगे हमारे साथ दिल्ली के सफदरजंग टॉम्ब को। सफदरजंग टॉम्ब यानी सफदरजंग का मकबरा ये दिल्ली के औरबिंदो मार्ग में बना हुआ है। पूरा मकबरा बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण 1754 में नवाब सफदरजंग की याद में किया गया था। मिर्जा मुकीम अबुल मंसूर खान उर्फ सफदरजंग, ये मकबरा मुगल सल्तनत के आखिरी निर्माणों में से एक है। पूरे मकबरे को हुमायूं के मकबरे की तरह बनाया गया है। मेन गेट से एंट्री करते ही जो आपको व्यू दिखता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें बने गार्डन को भी हुमायूं टॉम्ब के मुगल गार्डन की तरह ही बनाया गया है। 1753 में मराठाओं ने सफदरजंग को दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया था और 1754 यानी उसके अगले ही साल सफदरजंग की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद नवाब शहजाद दौला जो इनके बेटे थे, उन्होंने अपने पिता की याद में इस टॉम्ब को बनवाया। इस टॉम्ब को बनाने की लागत उस समय के हिसाब से लगभग 3 लाख रुपए आई थी। पर आप घूमने के लिए आ सकते हैं, फोटोग्राफी करने के लिए आ सकते हैं और इतिहास को करीब से जानने के लिए भी आ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और कमेंट करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टिकट और टाइमिंग से जुड़ी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।